أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو اس کے بعد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. چنانچہ اس نکاح کے بعد اس سفر سے واپسی پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے اسی سواری کے پیچھے حضرت صفیہ کو بھی ساتھ بٹھا لیا. جو باتیں ہیں اس عرصے میں ہوئیں ان میں سے ایک خاص موضوع پر گفتگو جو آپ نے فرمائی وہ احادیث میں محفوظ ہے. آپ نے فرمایا کہ صفیہ میں تم سے بہت معذرت خواہ ہوں اور دل کی گہرائی سے معذرت کرتا ہوں اس بات پر جو میں نے تمہاری قوم کے ساتھ کی, یعنی یہودیوں کا خلاف خیبر جو فتح کیا اور اس دوران جو یہود کے ساتھ سختی کی گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صفیہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذرت فرمائی, لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ سے پہلے تمہاری قوم نے مجھ سے کیا سلوک کیا, تاکہ تمہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ گویا میں نے کسی تعصب کے نتیجے میں ناواجب ظلم کے طور پر قلعہ خیبر پہ حملہ کیا اور اس کو تاخت و تاراج کیا. چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز سے لے کر اس وقت تک کے یہود قبائل کے ان مظالم کا اور ظلم و ستم کا ذکر کرنا شروع فرمایا جو شروع سے ہی وہ کرتے چلے آئے تھے, اور پھر اپنی ذات سے متعلق خصوصیت سے حضرت صفیہ کو بتایا کہ کس طرح میرے اوپر یہ لوگ یعنی ذاتی حملے کرتے رہے اور میری کردار کشی کرتے رہے اور گالیاں دیتے رہے, اور اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ نکاح کے بعد جو خاتون گھر میں تشریف لا رہی ہیں ان کے دل پر کسی قسم کی غلط فہمی کا داغ نہ رہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متعلق کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے. ان دنوں جو کہ عراق کا معاملہ زیر بحث ہے, عراق اور کویت کا جو جھگڑا چلا ہے, اس ضمن میں میں نے کئی خطبات اس موضوع پہ دیے کہ مغربی قومیں ان مسلمان ممالک سے کیا کر رہی ہیں. اس دوران مجھے بھی بارہا یہ خیال آیا کہ
वो अहमदी मुसलमान जो मगरबी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दिल में कहीं ये वहम पैदा ना हो कि हम नस्ली इख्तलाफात की वजह से इस तरह मगरब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और अहमदियों के अंदर भी गोया दबा हुआ नस्ली तासुब मौजूद है। और सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक अहम पैगाम ये था, जिसे आपने अपनी ज़ुबान से भी दिया और अपने फ़ेल से भी उसकी सच्चाई साबित फरमाई, कि मज़हब का नस्ली इख्तलाफात से कोई ताल्लुक नहीं। और मज़हब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तासुब के नतीजे में किसी से इख्तलाफ़ किया जाए या किसी से किसी किस्म का झगड़ा किया जाए। जमात अहमदिया भी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पर चलने वाली, बल्कि सुन्नत के मादूम हिस्सों को ज़िंदा करने वाली जमात है। ऐसी सुन्नत को असर नौ अपने अपने किरदार में ज़िंदा करने का आज़म लेकर उठी है, जिस सुन्नत के हसीन पहलुओं को बिलअमूम मुसलमानों ने भुला रखा है। बस इस पहलू से दुनिया के किसी इंसान के जहन में ये वहम न रहे कि जमात अहमदिया भी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मशरक़ और मगरब की तकसीमों में और इख्तलाफात में या सफ़ेद और स्याह के इख्तलाफात में किसी किस्म का नस्ली तासुब रखती है, क्योंकि नस्ली तासुब और इस्लाम बयक वक्त साथ नहीं रह सकते। बस जो भी तनकीद मेरी तरफ से की जाती रही है और की जाएगी, वो इस्लाम के आला अखलाकी उसूलों के पेश नज़र है। और जो भी इस पहलू से तनकीद का सजावार ठहरेगा उस पर तनकीद की जाएगी, मगर तकलीफ़ देने की खातिर नहीं, बल्कि हकायक सामने रखने के लिए और मामलात समझाने की खातिर। इस तमहीद को पेश नज़र रखते हुए जब भी मैं तबसरा करता हूँ, अपने दिल को खूब अच्छी तरह टटोल लेता हूँ और कभी भी किसी किस्म के तासुब की बिना पर कोई तनकीद नहीं करता, बल्कि खुदा के हुजूर अपने दिल को साफ पाक करके हकायक और सच्चाई बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये सच्चाई बाज़ सूरतों में बाज़ लोगों को कड़वी लगती है, बाज़ सूरतों में बाज़ दूसरे लोगों को कड़वी लगती है, मगर उसमें हमारी बेख्तियारी है। हम महज तासुबात की वजह से किसी एक का हमेशा साथ नहीं दे सकते। हमेशा सच का साथ देंगे, हमेशा कलामुल्लाह का साथ देंगे, हमेशा सुन्नत नबवी का साथ देंगे। और जिसने हमारा हमेशा का दोस्त बनना है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कलामुल्लाह का दोस्त बन जाए, वो सुन्नत नबवी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त बन जाए और हक़ का दोस्त बन जाए, सच्चाई का दोस्त हो जाए। ऐसी सूरत में हमें हमेशा वो अपने साथ पाएगा। बस इस मुख्तसर वजाहत के बाद अब मैं दोबारा उसी मसले को आपके सामने रखता हूँ जिस पर इस दो खुतबात छोड़कर इससे पहले कई खुतबात में मैंने गुफ्तगू की, यानी इराक़ कुवैत के झगड़े के नतीजे में पैदा होने वाली आलमी सूरत हाल। अब सिर्फ चंद दिन ऐसे रह गए हैं जिनमें अमन की कोशिशें बहुत तेज़ कर दी गई हैं और बिलआख़िर रुख उसी मशवरे की तरफ है जो मशवरा मैंने आगाज़ में कुरानी तालीम की सूरत में पेश किया था। मैंने कौमों को मुतवज्जे किया था कि इसको इस्लामी मामला रहने दें और आलम इस्लाम आपस में निपटाए, आलम अरब भी निपटाने की कोशिश करे, मगर फिल हकीकत ये दुरुस्त नहीं होगा कि अरब सिर्फ इसे अपना अरब मसला बना लें। लेकिन अफसोस है कि इस मामले में जो कोशिशें शुरू की गई हैं वो बहुत ही ताखीर से शुरू की गई हैं।
अब आलमी मसले से अरब मसले की तरफ तो तवज्जो मबजूल हो चुकी है बड़ी बड़ी कौमों की भी, लेकिन मुसलमान मसले के मुतल्लिक अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान में एक बाज़ वज़राए खारिजा की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इस मसले को छेड़ा गया और पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की गई कि तमाम दुनिया के मुसलमान ममालिक मिलकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन इतनी तख़ीर के साथ उठाया गया कदम है कि बज़ाहिर इसके नतीजे में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। मौजूदा सूरत यह है कि अमरीका और बरतानिया उन कौमों के फहरिस्त में अव्वलियत रखते हैं जो शिद्दत के साथ इराक़ को कुचल देने का तहैया किए हुए हैं, और इन्हीं की रहनुमाई में, इन्हीं की सियादत और क़यादत में जंग का तबला बजाया जा रहा है और बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि इराक़ को नेस्त व नाबूद कर देना ज़रूरी है ताकि दुनिया बाकी रहे। यानी अगर इराक़ अपनी इस ताकत के साथ बाकी रह गया और इसे और मौका मिल गया तो बाकी दुनिया का अमन मफकूद हो जाएगा और अमन को शदीद, बल्कि दुनिया के वजूद को शदीद ख़तरा लाख होगा। ये एक मौक़िफ़ है जिसे बुलंद आवाज़ से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, और बार बार जब इंटरव्यूज़ होते हैं या अखबारात में सवाल और जवाब छपते हैं इन लोगों के, उनमें एक बात को पेश किया जाता है कि देखो इराक़ ने कुवैत पर कितने मजालिम किए हैं, और इतने खौफनाक मजालिम के बाद जो आलमी राय आमा है किस तरह इसको नज़रअंदाज कर सकती है। ऐसे जालिमों को जिन्होंने कत्ल व गारत किया, जिन्होंने लूट मार की, घरों को जलाया, उनको ख़ुद ज़िंदा रहने का क्या हक़ रह जाता है। अगर आज हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ बयक वक्त तमाम कौमों ने मिलकर पेशकदमी ना की और जालिम को सजा ना दी तो फिर जुल्मों की राहें खुल जाएंगी और कोई भी किसी को जुल्म की राह पर चलने से रोक नहीं सकेगा। ये मौक़िफ़ है, उसका ख़ुलासा ये है। और इराक़ का मौक़िफ़ इसके बरक्स ये है कि तुम बड़े बड़े असूलों की और आला अख़लाक़ की बातें कर रहे हो, लेकिन भूल जाते हो कि मशरिक़ वस्ती में, अरब इलाक़ों में जो कुछ भी बेइत्मीनानी है और बेचैनी है जिसके नतीजे में बार बार अमन को ख़तरा लाहक होता है, इसके असल ज़िम्मेदार तुम हो। और जब भी ऐसे मौक़े आए जब इन मसाइल को जो मशरिक़ वस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं हल किया जा सकता था तो तुम ही वो लोग हो जिन्होंने रोकें पैदा की, और ऐसी ही बात जो हमने की है, यानी ऐसा ही जिसे तुम नाजायज़ कब्ज़ा कहते हो, इराक़ कहते नाजायज़ तो नहीं कहता पर कहता है जिस तरह हमने कुवैत पर कब्ज़ा किया है, इस तरह इसी करीब के ज़माने में इसराइल ने शर्क उर्दन के मुल्क के उर्दन के मगरबी किनारे पर कब्ज़ा कर रखा है, और तुम यूनाइटेड नेशंस की बातें करते हो हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने बारहा रेजोल्यूशंस के ज़रिए इसराइल को कब्ज़ा छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिशें की, और हर बार अमेरिका ने खसूसियत के साथ उन कोशिशों की राह में रोड़े लटकाए और बल्कि अगर रेजोल्यूशंस को वीटो करना पड़ा तो वीटो कर दिया। तो इराक अमेरिका और बरतानिया से मुखातब करके ये कहता है कि तुम अखलाक और फिर आला असूलों की बातें तरक कर दो, अगर वाकई तुम्हारे नज़दीक इन असूलों की कोई कदर व कीमत है तो फिर मजमूई तौर पर उन तमाम मसाइल को एक ही पैमाने से नापने की कोशिश करो और एक ही तरीक़ पर हल करने की कोशिश करो जो मसाइल मौजूदा इराक़ कुवैत के मसले से मिलते जुलते पहले से मौजूद हैं। अगर तुम ऐसा करो तो हम इस बात पर रजामंद होते हैं कि हम भी उन्हीं उसूलों के मुताबिक जो भी इंसाफ के फैसले हैं उनके सामने सर तस्लीम खम करेंगे। एक पहलू
तो इनके मौक़िफ़ का ये है। दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी मुल्क को किसी मुल्क पर कब्ज़ा करने की इजाज़त दे दी जाए महज इसलिए कि वो ताकतवर है, तो फिर दुनिया से अमन हमेशा के लिए उठ जाएगा। यानी जुल्म वाले हिस्से के अलावा उसको अलग पेश किया जाता है और कब्ज़े वाले हिस्से को अलग पेश किया जाता है, वो एक दो दलाइल हैं। अब ताजुब की बात यह है कि जो कौमें ये बातें करती हैं उनकी अपनी तारीख उनके ख़िलाफ़ ऐसी सख्त गवाही देती है कि कभी दुनिया की किसी कौम के ख़िलाफ़ उस कौम की तारीख ने ऐसी गवाही नहीं दी। अमरीका की जो मौजूदा हुकूमत है इसका यूरोप से ताल्लुक़ है, और इसी ज़माने में जो नया दौर ज़माने का शुरू हो चुका है, इसी ज़माने में ये लोग यूरोप से अमेरिका गए। 17वीं सदी के आगाज़ की बात है कि पहली दफ़ा अमेरिका दरियाफ्त हुआ, और उसके बाद इन्होंने सारे अमेरिका पर, शिमाली अमेरिका पर भी और जनूबी अमेरिका पर भी कब्ज़ा कर लिया, और जो मजालिम इन्होंने वहाँ तोड़े हैं और जिस तरह नस्ल कुशी की है उसकी शाज ही तारीख इंसानी में कोई मिसाल मिलती। पूरी की पूरी उन कौमों को जो उस मुल्क की बशिंदा थी, इस वसी बर आज़म की बशिंदा थी, उनके वो एक कौम तो नहीं थी मगर रेड इंडियंस के नाम पर वो सारे मुख्तलिफ कौमें मशहूर हैं, उनका बाकायदा एक मनसूबा बंदी के ज़रिए कलाकमा किया गया, यहाँ तक कि वो घटते घटते अब आसारे बाकिया के तौर पर रह गई हैं। यही वो कौमें हैं जो जानवरों के साथ ऐसी मोहब्बत रखती हैं कि बार बार आप इनके प्रेस में या इनके टेलीविज़न वगैरह पर ऐसे मज़ामीन और प्रोग्राम देख सकते हैं कि जिसमें ये बताते हैं कि फलां नस्ल के गायब होने का ख़तरा लाख हो गया, उसको बचाओ। लेकिन पूरे रेड इंडियन वसी बर आज़म पर फैली हुई मुख्तलिफ कौमों को ख़ुद इन्होंने इस तरह हलाक किया है और इस तरह मिलियामेट किया है कि उनमें बहुत सी ऐसे हैं जिनका नामो निशान मिट चुका है, और बहुत थोड़ी तादाद में वो कौमें बाकी रह गई हैं जिनका ज़िक्र इनकी तारीख में और इनके लिटरेचर में मिलता है। अब सिर्फ वो इनकी फिल्मों में दिखाई देंगी या इनके लिटरेचर में, वरना अक्सर वो कबाइल बिल्कुल सफ़ा हस्ती से नाबूद हो चुके हैं। और जिस रंग में मजालिम किए गए हैं वो तो एक बहुत ही वसी बड़ी भारी दास्तान है। फिर अफ्रीका पर कब्ज़ा करके या अफ्रीका पर हमले करके यूरोपियन कौमों ने जिस तरह मजालिम किए हैं, जिस तरह उनके कैदियों को उनको ग़ुलाम बनाकर लखू खा की तादाद में बेचा गया और उनसे ज़बरदस्ती मजदूरियां ली गईं, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा उन कैदियों की मांग थी जिनको ग़ुलाम बनाकर फिर अमेरिका में फ़रोख्त किया गया। और आज अमेरिका की आबादी बता रही है कि वहाँ कसरत के साथ ये सियाफाम अमेरिकन उसी तारीख को ज़िंदा करने की याद ज़िंदा करने वाले हैं जब इंसानों के साथ ऐसा ज़ालिमाना सलूक किया गया कि उसके तसव्वुर से भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन कलों में इनको पहले कैद रखा जाता था उनमें से एक कला मैंने भी देखा है, और इतनी थोड़ी जगह में इतने ज़्यादा आदमियों को भर दिया जाता था कि ब्लैक होल के मुतल्लिक जो हमने तारीख में पढ़ा हुआ है हिंदुस्तान की तारीख में, वैसे ब्लैक होल बार बार बनाए गए और बहुत से आदमी उनमें से दम घुटकर मर जाया करते थे और बाकियों को फिर गाय भैंसों की तरह हांक कर जहाज़ों पर सवार कर दिया जाता था। जहाज़ों की जो हालत होती थी वो ऐसी खौफनाक थी कि इनके अपने मौरखीन लिखते हैं कि एक बड़ी तादाद जहाज़ों पर वो सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त ना कर सकने के नतीजे में मर जाया करते थे और बहुत ही बुरे हाल में वहाँ पहुँचा करते थे। फिर वहाँ इनको इस तरह हांका जाता था जिस तरह गाय बैल को हांका जाता है, सांटे मार के बाकायदा इनसे मजदूरियाँ ली जाती थीं
ये उनकी सवारियां चलाते थे, उनके हल चलाते थे, दूसरे हर किस्म के काम जो बिलअमूम इंसान जानवरों से लेता है वो इनसे भी लेता था। तो जिस कौम की ये तारीख हो, आज वो ये ऐलान कर रही हो कि इंसानियत और आला अखलाक के नाम पर हम मजबूर हो गए हैं कि कुवैत की ज़मीन को, सरज़मीन को बहाल करने के लिए उन कमज़ोरों की मदद करें, ज़ुल्म व सितम हो रहा है उसके खिलाफ हम अलम बुलंद करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमारी आला अखलाकी कदरें हमसे ये तकाज़ा कर रही हैं। अगर हमने ये ना किया तो दुनिया से इंसानियत मिट जाएगी, अगर हमने ऐसा ना किया तो दुनिया से हर मुल्क, हर गरीब और कमज़ोर मुल्क का अमन अमान उठ जाएगा, उसके हिफाजत की कोई ज़मानत नहीं रहेगी। अगर ये वाकईतन दुरुस्त है और अगरचे बहुत देर में ख्याल आया है तो ये भी कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा, अब इस नेक ख्याल के नतीजे में अमेरिका खाली कर दो और जो बेचारे बचे कुचे चंद रेड इंडियन रह गए हैं उनके सुपुर्द उनकी दौलत करके वापस अपने अपने पुराने आबाई मुल्क की तरफ लौट जाओ। लेकिन जब आप ये कहेंगे तो कहेंगे तुम पागल हो गए, कैसी बातें करते हो, इन दोनों के दरमियान कोई लिंक नहीं है, वो और बात थी ये और बात। अब अगर दो एक जैसी बातों को और बात कहकर रद्द कर दिया जाए तो इसका क्या जवाब है। बरतानिया जो अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा जोश दिखा रहा है इराक़ की मुखालफत में और वही दलाइल दे रहा है बार बार, इनका अपना हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया पर जब इन्होंने कब्ज़ा किया तो वो भी एक बड़े आज़म था और इस मामले में अमेरिका के साथ बहुत गहरी मुशाबियत है। ऑस्ट्रेलिया में जो मजालिम तोड़े हैं अंग्रेज़ काबिज़ों ने वो इतने ज़्यादा खौफनाक हैं कि अमेरिका के मजालिम भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। एक नुमाया फ़र्क ऑस्ट्रेलियन एबरिजिनीज यानी पुराने बाशिंदों और अमेरिकन बाशिंदों में ये था कि अमेरिकन बाशिंदे लड़ाका कौमें थीं, जंगजू कौमें थीं और बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर अपने अपने इलाकों का दिफा करना जानती थीं और बड़ी अजीम शान कुर्बानियाँ इस्लाम में देती थीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एबरिजिनीज बिल्कुल अमन पसंद लोग थे और उनको लड़ना आता ही नहीं था बेचारों को। उनको जंगलों में इस तरह शिकार किया है इन्होंने जिस तरह हिरन का शिकार किया जाता है, और जब शिकार करने के बाद जो बच जाते थे उनको पकड़कर इस बाकायदा ऑपरेशंस के ज़रिए इस हाल तक पहुंचा देते थे कि आइंदा उनसे नस्ल पैदा ही ना हो सकती, और बहुत ही वसीत पैमाने पर और बड़े भयानक तरीक पर नस्ल कुशी की गई है। यहाँ तक के उन कौमों में से जो जिनमें 600 अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती थी एक वक्त में, अब सिर्फ चंद ज़ुबानें हैं जिनका रिकॉर्ड रह गया है और चंद कौमों के उन कबाइल के बचे कुचे हिस्सों के ऐसे इलाके रह गए हैं जहाँ जिस तरह चिड़ियाघर में जानवर रखे जाते हैं उस तरह उनकी हिफाजत की जा रही है और लोगों को उनको दिखाने के लिए कि ये वो लोग थे जिनसे हमने ये मुल्क लिया है, उनका इंतज़ाम किया जा रहा है कि वो कम से कम उनकी नस्लें बाकी रह जाएं। अब ये बरतानिया की तारीख है। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो कुछ किया गया, जो अफ्रीका में किया गया, इन सब बातों के ज़िक्र का मौका तो नहीं, ज़िक्र का वक्त नहीं है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसूल और अखलाक की जब बात की जाए तो उसूल और अखलाक ज़माने से बाला हुआ करते हैं और वक्त के साथ बदल नहीं जाया करते। अब सेंक्शंस की बातें करते हैं तो हाल ही की बात है कि अभी जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंक्शंस की गईं और उन सेंक्शंस में साल हा साल लग गए और उन्होंने कोई असर ना दिखाया, ये नुमाया असर ना दिखाया। उसके नतीजे में
ये आवाज़ बुलंदी हुई कि सेंक्शन में इतनी देर हो गई है, वो काम नहीं कर रही, अब ज़रूरत है कि सारी दुनिया मिलकर जनूबी अमरीका पर हमला कर दे। और खुद मगरबी ममालिक ने, खुद इंग्लिस्तान ने उन सेंक्शंस का साथ नहीं दिया बहुत से मौके पर, और इंग्लिस्तान की राय आमा ने भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की मगर परवाह नहीं की गई, और उनके ख़िलाफ़ भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ये किसी पुरानी तारीख का हिस्सा नहीं, ये आज की तारीख की बातें हैं। और ना ये किसी ने आवाज़ बुलंद की कि जो कौमें तआवुन नहीं कर रही सेंक्शंस के साथ, उनको ज़बरदस्ती फौजी ताकत के साथ सेंक्शंस के मुताबिक कार्रवाई पर मजबूर कर दिया जाए, और ना ये आवाज़ बुलंद की गई कि सेंक्शन इतनी देर हो गई है, काम नहीं कर रही है, अब इसके मुतल्लिक कुछ और करना चाहिए। लेकिन इराक के मुतल्लिक ये दोनों बातें बड़ी शिद्दत के साथ उठती रहीं। एक तो ये कि सेंक्शंस यानी इक्तसादी बायकॉट इतना मुकम्मल हो कि कुछ भी वहाँ ना जा सके, खुराक ना जा सके, अदविया ना जा सके, कोई चीज़ किसी किस्म की वहाँ दाखिल ना हो, ना वहाँ से बाहर निकल सके। और साथ ही इस सख्ती के साथ इसको नाफिज किया गया कि चारों तरफ से इराक की नाकाबंदी कर दी गई, बल्कि उर्दन की भी नाकाबंदी कर दी गई जिसके रास्ते से ये इम्कान था कि ये सेंक्शन तोड़ दी जाएगी या इसके किसी हिस्से में इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी। इसके अलावा साथ ही इसराइल का शर्क उर्दन के दरिया के मगरबी किनारे पर कब्ज़ा मौजूद है, उस पर कोई सेंक्शन नहीं चलाई गई। और जिस किस्म के मजालिम इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर तोड़े हैं, उनके ज़िक्र में कोई आवाज़ उसके ख़िलाफ़ बुलंद नहीं की गई। अगर वही दलील जो आज इराक़ के ख़िलाफ़ दी जा रही है वहाँ भी चस्पा की जाती, तो आज से बहुत पहले यह मसला हल हो चुका होता। फिर जब आप अमेरिका की ताज़ा तारीख पर गौर करते हैं, तो इनकी खुद अमेरिकन मुसन्निफीन की लिखी हुई तारीखों से और बाज़ अदादो शुमार पर मुश्तमिल कुतुब से मालूम होता है कि अमेरिका ने CIA के ज़रिए आज के ज़माने में तमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हसब ज़रूरत दखल दिया है, और टेररिज्म से बाज नहीं रहे, किसी किस्म की ज़ालमाना कार्रवाइयों से बाज नहीं रहे, और वहाँ अपना हक समझा है कि हम जो चाहें ये करें। अभी हाल ही में एक किताब शाया हुई है, सीक्रेट वॉर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट सीक्रेट वॉर्स, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट की खुफिया जंगें, और उसमें ये बताया गया है कि कवर्ट ऑपरेशन यानी मख्फी कार्रवाइयों की इस्तलाह के नीचे हर किस्म की के जुल्म व सितम की इजाज़त थी, जो चाहे करो, चाहो करो, जिसको चाहो कत्ल करवाओ, जहाँ चाहो पानियों में जहर मिला दो, खुराक को गंदा कर दो, आम बनी नौ इंसान के कत्ल आम से भी परहेज न करो, जो चाहो करो मगर मख्फी तरीक पर हो और डिनाइबिलिटी की ताकत मौजूद रहे। यानी ये भी एक नई इस्तलाह है, बड़ी दिलचस्प। डिनाइबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब बावजूद इसके कि अमलन हर चीज़ की इजाज़त दे रहे हों, लेकिन उनके लिए ये गुंजाइश बाकी रखी जाए कि जब बाज़ बातों का इल्म हो और उनसे सवाल किया जाए कि बताइए क्या आपके हुक्म पर ऐसा हुआ था, तो कहें बिल्कुल नहीं, मेरे हुक्म पर ऐसा नहीं हुआ और मैं तहकीक करवाऊँगा। इसका नाम है डिनाइबिलिटी। तो जो टेररिज्म ये मुसलमान ममालिक की तरफ मंसूब करते हैं, उससे हज़ार गुना ज़्यादा टेररिज्म इसराइल तो अलग रहा, खुद अमेरिका ने किया हुआ है और कर रहा है आज भी, उसी तरह CIA मसरूफ अमल है, कहीं फौजी इनकलाबात बर्पा किए जा रहे हैं, कहीं वियतनाम और कोरिया में या लाओस में या ग्वाटेमाला में या ईरान में जो इनकी कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप उस किताब में पढ़कर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। वो किताब किसी मुखालिफ की नहीं बल्कि ख़ुद एक अमेरिकन मुसन्निफ की है जिसने और भी
अच्छी किताबें इस मौजू पे लिखी हैं और मुस्तनद किताबें हैं। तो अब बताइए वो उसूल कहाँ गए। वो सिर्फ फ़र्क ये है कि मुसलमान ममालिक बदकिस्मती से सादगी से काम लेते हैं, और सादगी भी इतनी जो बेवकूफ़ी की हद तक सादगी है, डिप्लोमेसी की ज़ुबान नहीं जानते, बजाय इसके कि वो भी कहें हम कवर्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी मख्फी ऑपरेशंस कर रहे हैं, खुल के कहते हैं हम तुमसे इंतकाम ले देंगे, ए रुश्दी हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, ए फलां इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि तुमसे हुस्ने सलूक किया जाए, जिस तरह चाहें हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। हाथ कुछ होता नहीं, हथियार इन लोगों से मांगते हैं, बिना अपनी इन कौमों पर है जिनके खिलाफ ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसी बिना को उखेड़ने की धमकियां दे रहे होते हैं जिस पर बैठे हुए हैं, उसी बुनियाद को उखेड़ने की धमकियां दे रहे होते हैं जिस पर ये इन्होंने अपनी इमारतें तामीर की हुई हैं। तो बेवकूफ़ी है महज, और जुल्म ये है, बेवकूफ़ी सिर्फ नहीं बल्कि जुल्म ये है कि ये सारी चीज़ें इस्लाम की तरफ मनसूब करके करते हैं, और इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए सारी दुनिया में मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। एक तरफ ये कौमें मजालिम पर मजालिम करती चली जाती हैं, दुनिया को जो दुनिया के साथ जो चाहें सलूक करें, जहाँ चाहें अपनी हुकूमत चलाएं, जहाँ चाहें जिस मुल्क के बाशिंदों को चाहें मिलियामेट कर दें, नेस्तो नाबूद कर दें, सफाहस्ती से मिटा डालें, लेकिन ज़ुबान ऐसी होनी चाहिए, इस्तलाहें ऐसी होनी चाहिए जिनके पर्दे में हर किस्म की कार्रवाई की इजाज़त है, और वो जिनको कुछ करने की ताकत ही नहीं है वो नहायत अहमकाना ज़ुबान इस्तेमाल करके खुद अपना मुंह भी काला करते हैं और इस्लाम के ऊपर भी दाग डालते हैं। तो एक मेरा पैगाम तो आलम इस्लाम को ये है कि होश करो, अक्ल से काम लो, जिन कौमों से लड़ना है उनसे लड़ने के अंदाज ही सीख लो, वो ज़ुबान ही इख्तियार कर लो जो ज़ुबान तुम्हारे मुतल्लिक और या दूसरी कौमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये तो एक ज़िमनी बात थी। अब मैं एक तीसरे हिस्से की तरफ आता हूँ। इराकी मौक़िफ़ और मगरबी मौक़िफ़ मैंने बयान किया, मुसलमान ममालिक का भी एक मौक़िफ़, दूसरे मुसलमान ममालिक के भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और अक्सरियत ने सऊदी अरब के इस मौक़िफ़ का साथ दिया है कि इस मौके पर ज़रूरी है कि सब मुसलमान ममालिक मिलकर या ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुसलमान ममालिक मिलकर इराक़ को मिटाने का तहिया करें और इस कोशिश में इकट्ठे हो जाएं। लेकिन सिर्फ यहीं तक बात नहीं रहती, उससे आगे बढ़कर ये ऐलान किया जाता है कि ये अर्ज़ हिजाज मुक़द्दस ज़मीन है और मक्का और मदीना की मुक़द्दस बस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। आज सिर्फ कुवैत का मसला नहीं है, आज मसला उन बस्तियों की हिफाजत का मसला है, उन बस्तियों के तक़द्दुस की हिफाजत का मसला है जिनमें कभी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस लिया करते थे, वहाँ आपके कदम पड़ा करते थे। बस इसे बहुत ही तक़द्दुस का रंग देकर आम मुसलमानों के जज्बात को उभारा जाता है। चुनांचे पाकिस्तान की तरफ से भी बार बार इसी किस्म के ऐलान हुए हैं कि अब हमने अर्ज़ मुक़द्दस की हिफाजत के लिए 2000 सिपाही भिजवा दिए, 3000 सिपाही भिजवा दिए, 5000 सिपाही भिजवा दिए, और अर्ज़ मुक़द्दस के नाम पर हम ये अजीम क़ुरबानी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उस अर्ज़ की अपनी तारीख क्या है, और वो लोग जो अर्ज़ मुक़द्दस का नाम लेकर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस के हवाले देकर मुसलमानों की राय आमा को अपने हक़ में करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अपना क्या किरदार रहा है। अमरे वाक़िया ये है कि सऊदियों ने, यानी इस ख़ानदान ने सबसे पहले ख़ुद अर्ज़ हिजाज पर बज़ोर शमशीर कब्ज़ा किया था, और 1801 में सबसे पहले ये फ़ौजी मुहिम शुरू की गई, और इस ख़ानदान के जो सरबराह थे उनका नाम अब्दुल अज़ीज़ था।
लेकिन अब्दुल अजीज़ के बेटे सऊद थे जो दरअसल बड़ी बड़ी फौजी कार्रवाइयों में बहुत शोहरत इख्तियार कर गए और बड़ी महारत रखते थे, चुनाची उनकी सरबराही में ये हमले किए, इन हमलों का आगाज़ हुआ। सबसे पहले इन्होंने इराक़ में पेश कदमी की और करबलाए मुअल्ला पे कब्ज़ा किया, वहाँ के तमाम मुकद्दस मज़ारों को मिलियमेट कर दिया। इस मौक़िफ़ पेश करते हुए कि ये सब शिर्क की बातें हैं और इनमें कोई तकद्दस नहीं है, ईंट पत्थर की चीज़ें हैं, इनको मिटा देना चाहिए, और फिर करबलाए मुअल्ला में बसने वाले मुसलमानों को जो अक्सर शिया थे का कत्लेआम किया, और फिर बसरा की तरफ पेशकदमी की और करबलाए मुअल्ला से लेकर बसरा तक के तकरीबन तमाम इलाके को ताख्ताराज करके वहाँ या आगे लगा दी गई, शहरों को कत्लेआम किए गए, लूट मार की गई, हर किस्म के मजालिम जो आज इराक़ की तरफ मंसूब किए जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बढ़कर बहुत ज़्यादा वसी इलाके में इसी ख़ानदान ने इराक़ के इलाके में किए। लेकिन वहाँ से ताकत पकड़ने के बाद फिर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रुख किया और ताइफ़ पर कब्ज़ा कर लिया अर्ज़ हिजाज में, और 1903 में मक्के और मदीने में दाखिल हो गए, और मक्के और मदीने में दाखिल होने के बाद वहाँ कत्लेआम किया गया और बहुत से मज़ार गिरा दिए गए और बहुत सी मुक़द्दस निशानियाँ और मुकामात, मसलन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलद, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौलद वग़ैरह, इस किस्म के बहुत से मुक़द्दस हुजरे और मुकामात थे जिनको या मुनज़्ज़िम कर दिया गया या उनकी शदीद गुस्ताखी की गई, और ये ज़ाहिर किया गया कि इस्लाम में इन ज़ाहिरी चीज़ों की कोई कदर और कीमत नहीं है, ये सब शिर्क है, और जो खून खराबा हुआ है उसकी उसका तो कोई मुअय्यन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन तारीखें ये लिखती हैं कि बिल्कुल निहत्थे और बेज़रर और बेमुकाबला करने वाले और मुकाबले में ना आने वाले शहरियों का भी कत्लेआम बड़ी बेदर्दी से किया गया है। 1813 में शरीफान मक्का ने फिर इस इलाके को सऊदियों से खाली करवा लिया, और फिर 20वीं सदी के आगाज़ में दोबारा सऊदियों ने अर्ज़ हिजाज़ पर यगार की, और इस दफ़ा अंग्रेज़ों की पूरी ताकत इनके साथ थी, अंग्रेज़ी जर्नैल इनकी बाकायदा पेशकदमी की वो स्कीमें बनाते थे, और अंग्रेज़ ही इनको असलहा और बंदूकें मुहैया करते थे, और अंग्रेज़ ही रुपया पैसा मुहैया करते थे, और बाकायदा उनके साथ मुहदे हो चुके थे। चुनाचे 1924 में दोबारा सऊदी ख़ानदान अर्ज़ हिजाज़ पर काबिज़ हुआ, और इस कब्ज़े के दौरान भी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मुकामात की बेहरमती की गई और कत्लेआम हुआ है। 1924 में अंग्रेज़ों की तायीद से चूँकि ये दाखिल हुए थे, इसलिए हाल ही में जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई उसमें 24 से पहले की भी अंग्रेज़ी तायीद के ज़िक्र करते हुए BBC के प्रोग्राम पेश करने वाले ने ये मौक़िफ़ लिया कि जिस मुल्क पर सऊदियों ने हमारी तायीद से और हमारी क़ुव्वत से कब्ज़ा किया था, अब उसके मुल्क के दिफा के लिए भी हम पर ही इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। बस इस नुक्ते निगाह से अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल और शक्ल में दिखाई देने लगती है। जो भी हुकूमत इस वक्त मुकामात मुक़द्दस पर काबिज़ है वो अंग्रेज़ की ताकत से काबिज़ हुई थी या मगरबी कौमों की ताकत से काबिज़ हुई थी, और अब दिफा के लिए भी उनमें ये इस्तेतात नहीं है कि उन मुकामात का दिफा कर सकें, और मजबूर हैं कि इन कौमों को वापस अपनी मदद के लिए बुलाएं। अब अंग्रेज़ का तसव्वुर उस तरह का नहीं जो इससे पहले का था, तमाम दुनिया पर अंग्रेज़ की एक किस्म की हुकूमत थी, अब अंग्रेज़ और अमेरिका एक दूसरे के साथ मुदगम हो चुके हैं,
इनके तस्वुरात यकजा हो चुके हैं और अमलन जो अमेरिका है वो अंग्रेज़ है और जो अंग्रेज़ है वो अमेरिका है, यानी इंग्लिस्तान है वो अमेरिका है और जो अमेरिका है वो इंग्लिस्तान है। तो इस पहलू से अंग्रेज़ ने अपनी तारीख का विरसा अमेरिका के सुपुर्द किया हुआ है और यही वजह है कि इस दौर में इनके फैसले हमेशा एक हुआ करते हैं। यूरोप कुछ इससे मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। खुलासा कलाम ये बनता है कि अर्ज़ मुक़दस और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के एहतराम की बातें करते हुए जो आलम इस्लाम को इन चीज़ों इन मुक़दस मुकामात के दिफा के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, ये सब महज़ एक धोखा है। कोई भी ताल्लुक नहीं है दूसरे मुसलमान ममालिक की फौजी शमूलियत का इन मुक़दस मुकामात की हिफाजत के साथ, ना उनकी ज़रूरत है, ना उसका ताल्लुक है, ना फिल हकीकत कोई ख़तरा लाहक है। अगर ख़तरा लाहक है इन इलाकों को तो गैर मुसलमों से लाहक हो सकता है। मुसलमानों से अगर ख़तरा लाहक हो सकता था तो वो ख़तरा तो खुद सऊदियों से लाहक हुआ हो चुका है, और इस ख़तरे में जब तक उन्होंने गैर मुसलमों की मदद नहीं ली उस वक्त तक इन इलाकों पर कब्ज़ा नहीं कर सके। बस अमरे वाक़या यही है कि अब इन इलाकों का दिफा भी गैर मुसलमों ही के सुपुर्द हुआ है, और मुसलमान रियासतें शामिल हों या ना हों इस दिफा से इसका कोई ताल्लुक नहीं, यानी इस इम्कानी दिफा से, दिफा का तो अभी सवाल ही नहीं पैदा हुआ, इम्कान है। लेकिन अगर आप दयानदारी से गौर करें तो इस बात का कोई एहतमाल ही नहीं है कि इराक़ सऊदी अरब पे हमला कर दे। इराक़ के पास तो इतनी ताकत भी नहीं कि वो इन बड़ी बड़ी ताकतों के इज्तमाही हमले से अपने आप को बचा सके, और सब दुनिया ताज्जुब में है कि ये गैर मुतवाजन हालत देखते हुए सदर सद्दाम हुसैन किस तरह ये जुर्रत कर सकते हैं कि बार बार अमन की हर कोशिश को रद्द करते चले जाते हैं, और जानते हैं कि इस अजीम दबाव के नीचे वो इस तरह पीछे जाएंगे जिस तरह चक्की के अंदर दाने पीसे जाते हैं, और नामुमकिन है कि इतनी बड़ी कौमों की इज्तमाही ताकत के मुकाबले पर इराक कुवैत का या अपने मुल्क का दिफा कर सके। आलमी जो फौजी माहरीन हैं ये उनकी राय है, और सब मुताज्जिब हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिर सदर सद्दाम हुसैन के पास वो क्या बात है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सुलह की हर कोशिश को रद्द करता चला जा रहा है। तो अमरे वाक़या ये है कि सारी ताकतें मगरबी ताकतें हैं जिन्होंने उस इलाके में कोई कार्रवाई या मौसर कार्रवाई करनी है या कर सकती हैं, मुसलमान ममालिक को और वजह से साथ में लाया गया है, और ये वजह इस वजह का मुकामात मुकद्दसा के तकद्दस से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, सिर्फ मुसलमान ममालिक को भी ही टोकन के तौर पर शामिल नहीं किया गया, यूरोप के दूसरे ममालिक को भी टोकन के तौर पर शामिल किया गया है। जापान पर भी बड़ा भारी दबाव डाला गया कि तुम भी शामिल हो जाओ, और इस तरह दुनिया के मशरिक और मगरिब की दूसरी कौमों को भी साथ शामिल करने की कोशिश की गई। उसकी वजह यह नहीं कि उनकी ज़रूरत थी, उसकी वजह यह थी कि दुनिया के सामने ये कज़िया इस तरह पेश किया जाए कि सारी दुनिया की राय आमा इस जालिम के ख़िलाफ़ है, इसलिए इस सारी दुनिया की राय आमा के एहतराम में हम जो शदीद तरीन कार्रवाई भी करें उसके ऊपर हरफ ना आ सके। अगर इराक़ के ख़िलाफ़ इंतहाई ज़ालिमाना कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान भी उस कार्रवाई में हिस्सा डालकर शरीक हुआ बैठा हो, और मिस्र भी शरीक हुआ हो, और दीगर मुसलमान तुर्की भी शरीक हो चुका हो, और दीगर मुसलमान ममालिक भी शरीक हो चुके हों, तो किस तरह पलट के कह सकते हैं कि तूने बड़ा भारी जुल्म किया है। बस आइंदा उन मजालिम के पर नुक्ता चीनी के दिफा के तौर पर
कि दुनिया उन पर नुक्साचीनी ना कर सके, जिनके मंसूबे ये पहले से बनाए बैठे हैं। इतना बड़ा हंगामा बर्पा किया गया है और इस तरह राय आमा को इकट्ठा किया गया है और मुल्कों को मजबूर किया गया है कि तुम भी हिस्सा डालो इस जुल्म में, हाँ तुम आराम से एक तरफ बैठे रहना। चुनाचे बाज़ मुसलमान ममालिक जिन्होंने फौजें भेजी हैं वो खुलकर ये कह रहे हैं कि भाई हम हमले में तो शामिल नहीं होंगे, हम तो सिर्फ मुकामात मुकद्दसा की हिफाजत की खातिर मक्के और मदीने में जाके बैठेंगे। चुनाचे पाकिस्तान ने भी ऐसा ही जहलाना सा एक ऐलान किया है, यानी मक्के और मदीने तक जो फौज पहुंच जाएगी और तमाम आलमी ताकतों को मिलिया मेट करते हुए पहुंचेगी, उस फौज से बचाने के लिए तुम रह जाओगे बाकी। कैसा बच्चगाना ख्याल है। दरअसल इनको ये बताया गया है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आओ अमन के साथ हमारी गोद में बैठो, हमारी हिफाजत में रहो, सिर्फ हम तुम्हारा नाम चाहते हैं और तुम्हारी शिरकत का नाम चाहते हैं, इसलिए तुम शरीक बन जाओ और यही हमारे लिए काफ़ी है। बस ये एक बहुत बड़ा खौफनाक आलमी मंसूबा है और इस मंसूबे को दुनिया के सामने हसीन तरीक पर धोखे के साथ पेश करने के ये सारे ज़राए हैं जो अख्तियार किए जा रहे हैं। अब फिर सवाल उठता है कि सदर सद्दाम हुसैन क्यों इस छोटी सीधी सादी खुली हुई हकीकत को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सक रहे और क्यों मुसिर हैं कि नहीं इन शरायत पर मैं कुवैत को खाली करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये समझता हूँ और बातों के अलावा सिर्फ कुवैत को खाली करना मकसूद नहीं है, ये फैसला कर चुके हैं कि हर हालत में इराक को निहत्ता कर दिया जाएगा और बेताकत बना दिया जाएगा और कुवैत से निकलना पहला कदम है, इसीलिए उसके बाद ये शर्त नहीं लगाते, सिर्फ ये कहते हैं कि हम इराक पर हमला नहीं करेंगे, ये साथ नहीं कहते कि हम आलमी बायकॉट ख़त्म कर देंगे, इक्तसादी बायकॉट ख़त्म कर देंगे, ये नहीं कहते कि हम मज़ीद दबाव डालकर तुम्हारे कीमियाई कारखाने जो जंगों में हलाकत खेज कीमियावी मादे बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको बर्बाद नहीं करेंगे या उन पर दखल नहीं देंगे, ये नहीं कहते कि हम तुम्हारी एटमी तवानाई के मराकज़ को ख़त्म करने के लिए मज़ीद तुमसे मुतालबे नहीं करेंगे और मज़ीद दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन ये ना कहने के बावजूद दबी ज़ुबान से ये इजहार जगह जगह हो जाता है कि इसके बाद कुछ करना ज़रूर है और इराक खूब अच्छी तरह समझता है, इराक जानता है कि महज कुवैत का मसला नहीं है, अगर मैं कुवैत खाली भी कर दूं तो जिन मकासद की खातिर ये कुवैत की हमायत कर रहे हैं वो मकासद पूरे नहीं हो सकते जब तक मुझे बिल्कुल नाताकत करके ना छोड़ा जाए। बस अमलन सदर सद्दाम के पास दो राहें नहीं बल्कि एक ही राह है और वो राह ये है कि अगर इन्होंने अपने बद इरादे पूरे करने ही हैं तो फिर इस हालत में मरा जाए कि मरते मरते इनको भी इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि हमेशा के लिए लूलों लंगड़ों की तरह रहें और फिर पहले जैसी ताकत और पहले जैसा तकबर बाकी न रहे। बस जहाँ तक मैं समझता हूँ सदर सद्दाम हुसैन इस वजह से बज़िद हैं कि तुम्हारी शरायत पर मैं कुवैत खाली नहीं करूँगा। हो सकता है अब पेरिस डोक्वेला जो वहाँ जा रहे हैं अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, उनके साथ गुफ्तगुशनीद के दौरान कुछ बातें खुलकर सामने आएँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर पेरिस डोक्वेला की तरफ से ऐसी गुफ्तगुशनीद का आगाज़ हो जाए जिसके नतीजे में बिलआख़िर इराक को यह तहफ़ दिया जाए और इस बात की यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ज़मानत दी जाए कि अगर तुम कुवैत को खाली कर दो तो अव्वल तमाम अरब मसले को यकजाई सूरत में देखा जाएगा और यूनाइटेड नेशंस इसकी तरफ मुतवज्जे होगी,
और दूसरे ये कि तुम्हारे साथ इसके बाद किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी और आलमी बायकॉट को उठा दिया जाएगा और तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अगर ये दो शर्तें इन खुले अल्फाज में इराक के सामने रखी जाएं, तो मैं ये यकीन रखता हूं कि इन शर्तों पर इराक सुलह करने पर आमादा होगा। लेकिन खतरा मुझे ये है कि यही दो शर्तें हैं जो सबसे ज्यादा उन ममालिक के मिजाज के खिलाफ हैं जिन मजालिब ने सारी दुनिया में एक तूफान उठा रखा है इस किस्से पर। यही वो दो बातें हैं जो किसी कीमत पर उनको कबूल नहीं है। अगर ईरान की फौजी ताकत को मिटा देना उनके मकसूद उनके पेश नज़र ना होता, अगर इसराइल का तहफ़ उनके पेश नज़र ना होता, तो कुवैत पर कब्जे के नतीजे में इन्होंने कभी भी शोर नहीं डालना था। कुवैत की कोई भी हैसियत नहीं है। ये दो बड़े मकासद हैं जिनकी खातिर ये सारा हंगामा खड़ा किया गया। और कैसे ये शर्तें मान जाएंगे जिनसे खुद अपने दो मकासद को के ऊपर ये तबर रख दें और उन मकासद को खायब व हासिल कर दें और नामुराद कर दें। बस ये है आखिरी खुलासा सूरत हाल का। जमात अहमदिया को मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बात खोल कर शुरू में बयान की है, हम कौमी इख्तलाफात या मजहबी इख्तलाफात के नतीजे में भी किसी तासुब को अपने दिल में जगह नहीं दे सकते और किसी तासुब की बिना पर हम फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस बात के दिलोजान से कायल हैं कि हर वो शख्स जो तासुब को अपने दिल में जगह दे या तासुबात के नतीजे में फैसले करे वो सही मानों में मोमिन और मुस्लिम कहलाने का मुस्तहिक नहीं रहता। तासुबात और इस्लाम को ऐसा ही बोध है जैसे शर्क और गर्ब को आपस में बोध, और हकीकी इस्लाम का तकाजा यही है कि हर फैसला खुदा की ज़ात को पेश नज़र रख कर किया जाए और इसी का नाम तकवा है। तकवा हर चीज़ की बुनियाद है, हर इस्लामी कदर तकवा पर मबनी है। और तकवा का हुस्न ये है कि तकवा खुद अपनी ज़ात में किसी मज़हब की इजारादारी नहीं, बल्कि तकवा एक ऐसी चीज़ है जो हर मज़हब का मरकज़ी नुक्ता होना चाहिए और हर मज़हब की तालीम को इस मरकज़ी नुक्ते के गिर्द घूमना चाहिए। तकवा का मतलब है हर सोच खुदा की मर्ज़ी के ताबे कर दो और हर फैसला करने से पहले ये देखो कि खुदा तुमसे क्या चाहता है। बस जमात अहमदिया से मैं तवक्को रखता हूँ कि तकवा को पेश नज़र रखते हुए अव्वल तो तमाम बनी नौ इंसान के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इंसानों को तकवा से आरी फैसलों के नतीजे में उन अजाबों में मुबतला न फरमाए जो आम तौर पर ऐसे हालात में मुकद्दर हो जाया करते हैं, बल्कि गैर मामूली तौर पर इनके दिलों पर तसल्लुत फरमाए और इनको तौबा करने की तौफीक बख्शे और इस्लाह अहवाल की तौफीक बख्शे और सच्चाई की तरफ लौट आने की तौफीक बख्शे। कुल आलम के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया को अमन अता करे, और अमन से मुराद सिर्फ ज़ाहरी अमन नहीं बल्कि अमन से मुराद दिल और दिमाग का अमन है। क्योंकि मैं कथी तौर पर इस बात को एक ठोस हकीकत की तरह देख रहा हूँ कि दुनिया का अमन दिल और दिमाग के अमन पर मुनसर है। वो बनी नौ इंसान जिनके दिल अमन में ना हों, जिनके दिमाग अमन में ना हों, उनका आलमी माहौल अमन में नहीं रह सकता, या उनसे दुनिया को ख़तरा होगा या वो दुनिया के या दुनिया से उनको ख़तरा होगा। बस दिमाग के खलल और दिल के खलल के नतीजे में बैरूनी खलल वाक़ हुआ करते हैं। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी सोचों की इसलाह फरमा दे, इनके दिलों की इसलाह फरमा दे, इनके मुआशरे की इसलाह फरमा दे और इनके दिल और दिमाग को अमन अता करे, ताकि बनी नौ इंसान को बहसियत मजमू अमन नसीब हो।
इस मौजूदा ताल्लुक में खसूसियत के साथ ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुसलमान ममालिक को अब भी अकल दे और वो इस जुल्म में गैर मुस्लिम कौमों का शरीक न बने कि उनके आला मकासद की खातिर जो उनके मफादात से ताल्लुक रखते हैं एक अजीम मुसलमान ताकत को मिलियामेट कर दें और अपने अपने अंगूठे इस फैसले पर सबत कर दें और तारीख आलम में हमेशा के लिए एक ऐसी कौम के तौर पर लिखे जाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के नहायत मनहूस फैसले किए थे, ऐसे फैसले किए थे जो बदतरीन स्याही से लिखे जाने के लायक बनते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया के अंदर ऐसे तगयुरात बरपा होने हैं और आइंदा लिखने वाला लिखेगा कि हो चुके कि इन फैसलों के बाद फिर दुनिया का अमन हमेशा के लिए उठ गया और अमन के नाम पर जो जंग लड़ी गई थी उसने और जंगों को जन्म दिया और सारी दुनिया में बदअमनी फैलती चली गई। ये मौर्रख ने जो बातें बाद में लिखनी हैं ये आज हमें दिखाई दे रही हैं कि कल होने वाली हैं अगर मुसलमान ममालिक ने होश ना की और बरवक्त अपने गलत इकदामात को वापस ना लिया और अपनी सोचों की इसलाह ना की। बहरहाल अगर ये इस तरह कायम इन्हीं बातों पर कायम रहे तो इराक मिटता है या नहीं मिटता ये तो कल देखने की बात है, मगर इस सारे इलाके का अमन हमेशा के लिए मिट जाएगा। कभी दोबारा अरब उस हाल को वापस नहीं लौट सकेंगे। इसराइल पहले से बढ़कर ताकत बनकर उभरेगा और इसराइल के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई के मुतल्लिक कोई अरब ताकत सोच भी नहीं सकेगी कम से कम एक लंबे अरसे तक, और इसके नतीजे में तमाम दुनिया में शदीद माली बहरान पैदा होंगे। और चूंकि आजकल दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक खुद माली बहरान का शिकार हैं, इसलिए तीसरी दुनिया के माली बहरान के नतीजे में ऐसे सियासी असरात पैदा होंगे कि और जंगें छिड़ेंगी और दुनिया का अमन दिन ब दिन बर्बाद होता चला जाएगा। मुख्तसरन ये कुछ है जो आइंदा पेश आने वाला है अगर आज मुसलमान ममालिक ने इस्लाह अहवाल न की। बार बार मगरबी मुफक्किरीन ये बात दोहराते चले जा रहे हैं कि अब बॉल इराक की कोर्ट में है और सदर सदाम के हाथ में है, इस बॉल को किस तरह फिट लगाए, जंग की तरफ या अमन की तरफ। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। सदर सदाम के हाथ आप लोगों ने इस तरह बांध रखे हैं और इस मामले को इस तरह उठाया है कि उसके लिए अब कोई हकीकत में दो राहे पर खड़े होना वाला मामला नहीं है बल्कि एक ही राह पर खड़ा है, जिसमें आगे बढ़े तो तब भी हलाकत है, पीछे हटे तो तब भी हलाकत है। आगे बढ़े तो हलाकत इस रंग में होगी कि अचानक तेज हलाकत, लेकिन साथ दुश्मन भी बहुत हद तक शदीद नुकसान उठाएगा। पीछे हटे तो दम घूट कर मारा जाएगा। इसलिए सदाम हुसैन को तो आपने दुराहे पर लाके खड़ा नहीं किया हुआ बल्कि दूसरी राह उससे मुनक़ते कर दी है। अगर कोई बाइज़त समझौते की राह उसके सामने खोली होती तो फिर वो ये फैसला कर सकता कि जंग की राह अख्तियार करूँ या अमन की राह अख्तियार करूँ। अब तो फैसला यही है कि एकदम मर मिटने की राह अख्तियार करूँ और इज्जत के साथ मर जाने की राह अख्तियार करूँ या जिल्लत के साथ दम घूंट कर मारा जाऊँ। बस दुआ ये करनी चाहिए। हाँ, बॉल जो है दरअसल सदर सद्दाम हुसैन की कोर्ट में नहीं है, वो मुसलमान ममालिक की कोर्ट में है। अगर मुसलमान ममालिक इस सूरत हाल को सही समझ सकें और आज ना सही कल के मौर्रिख से के कलम से बचने के लिए और तारीख जो इन पर ताज़ीर लगाएगी उससे बचने की खातिर सही अगर वो अपने फैसले पर नज़र सानी करें और ये ऐलान कर दें कि इराक से निपटना होगा तो हम निपटेंगे, मगरबी ताकतें हमारे ममालिक से पीछे पीछे हट जाएं, हमारे ममालिक को खाली कर दें, और अगर कोई मदद करनी है तो हथियारों के ज़रिए जिस तरह पहले भी मदद की जाती है इराक की भी मदद करते रहे हो,
उस तरह हमारी मदद करो और इस मामले को हमारे हाल पर छोड़ दो, हम खुद इससे निपटेंगे। अगर आज ये ऐलान कर दें तो मगरबी ताकतों के पास कोई भी उज़र बाकी नहीं रहता कि वो ज़बरदस्ती इराक़ पर हमला करें, और अगर फिर भी वो करें तो फिर ये बात इतनी आसान नहीं रहेगी। तमाम अरब में, मगरबी और तमाम आलम इस्लाम में मगरबी ममालिक के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो जाएगी। बस ये है असल सूरत हाल। दुआ ये करें कि मुसलमान ममालिक को अल्लाह ताला अक़ल अता फरमाए, सही सोच इख्तियार करने की तौफीक बख्शे और जुरतमंदाना ऐसा फैसला करने की तौफीक अता फरमाए जिसके नतीजे में गैर कामों कौमों को आलम इस्लाम में दखल अंदाजी का बहाना न रहे। लेकिन ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, और जिस हद तक ये लोग आगे बढ़ चुके हैं मैं समझता हूँ कि उसकी बिना बड़ी शदीद किस्म की खुदगर्जी है, जिसकी वजह से इस्लाम तो महज दूर की बात है, अरब ताल्लुकात भी बिल्कुल इनकी सोच की राह में हायल नहीं हो रहे। और कतन अपने हमसायगी का भी कोई ख्याल नहीं, और ये ख़तरा भी नहीं कि अरब दुनिया पर क्या गुजरेगी, ये सारी चीज़ें दूर की बातें हैं। बुनियादी तौर पर अपने मफाद का जो तकाजा है, ज़ाती मफाद का तकाजा, वो हर दूसरी फिक्र पर गालिब आ चुका है। अगर आपने गौर किया हो तो आप हैरान होंगे ये मालूम करके कि 15 जनवरी की तारीख पर आखिर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है। 15 जनवरी को खुदा ने तारीख मुकर्रर फरमाई है, ये हो क्या रहा है? चंद महीने पहले तुम कह रहे थे कि सेंक्शंस लगाई गई हैं, एक साल के अंदर अंदर सेंक्शंस काम करेंगी और यकीनन करेंगी, 6 महीने तक हो सकता है पूरे नतीजे ज़ाहिर ना हों। इस किस्म की खुली खुली बातें अमेरिका किया करता था और दूसरे मगरबी मुफक्किरीन भी ऐसे ही तखमीने पेश करते थे। अब अचानक ये क्या हो गया है कि अगरचे उन सेंक्शंस ने काम शुरू किया और उसकी तकलीफ भी इराक़ को पहुंची, बजाय इसके कि इंतज़ार करो और इराक़ को और कमज़ोर होने दो, और अगर हमला करना है तो उस वक्त करो, अब इतनी जल्दी किस बात की पड़ गई? 15 जनवरी की तारीख का क्या ताल्लुक है? मैंने गौर किया है और मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक सऊदी अरब और इसके साथियों की खुदगर्जी से है। इस सारी जंग का बिल तो सऊदी अरब ने अदा करना है, और ये सऊदी अरब बेशुमार अमीर होने के बावजूद अंदर से सख्त कंजूस है। उनको जो बिलियंस के बिल अदा करने पड़ रहे हैं, इन्होंने हिसाब लगाया होगा कि अगर सैंक्शंस का इंतज़ार किया जाए तो जब तक इराक का सफाया होता है उस वक्त तक हमारा भी सफाया हो चुका होगा, हमारे सारे बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुके होंगे। इसलिए इनको बड़ी सख्त अफरतफरी पड़ी है और ये ख़तरा लाहक हो गया है कि हम तो कंगाल हो जाएंगे इस अरसे में। तो इन्होंने दबाव डाला है, और अमेरिका ये बात खुलकर लोगों के सामने पेश नहीं कर सकता कि कौन हम पर दबाव डाल रहा है। सदर बुश खुद अपने मुल्क में जलील हो रहा है, कांग्रेस बार बार उससे सवाल कर रही है कि तुम कल ये बातें कर रहे थे सेंक्शन यूँ चलेगी और यूँ चलेगी और एक साल का अरसा गुजरेगा और इराक़ मजबूर हो जाएगा कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, अब अचानक तुमने सारे फैसले बदल दिए और लड़ाई के सिवा बात ही कोई नहीं करते। अब सदर बुश किस तरह कहे कि भाई हम तो मर्सिनरीज बने हुए हैं, हम तो किराए के फौजी हैं, और हमारा मालिक हमें हुक्म दे रहा है, जिसने हमें किराए पर रखा हुआ है वो कहता है कि भाई जल्दी करो, मैं इससे ज़्यादा बिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो असल सूरत हाल ये है। बस जब मैंने कहा कि बॉल अब मुसलमान ममालिक की कोर्ट में है, तो एक तो अमूमी नज़रिए के तौर पर कहा, वो मैंने आपके सामने बयान किया है। दरअसल बुनियादी बात यह है कि सऊदी अरब के हाथ में फैसला है, और उसके जो माउंटिंग बिल्स हैं, उसके बढ़ते हुए अखराजात हैं जंगी, वो उसे मजबूर कर रहे हैं कि जल्दी कला का माहौल इन लोगों का ये फसाद बीच में से ख़त्म हो और फिर हम असल सूरत हाल की तरफ वापस लौटें। मगर बड़ी बेवकूफ़ी है उनकी जो ये सोच रहे हैं कि असल सूरत हाल की तरफ वापस लौटें। असल सूरत हाल का तो नामो निशान मिट चुका होगा।
अगर इराक मिटाया गया तो उसके साथ माजी की सारी तारीख मिलियमेट कर दी जाएगी। अरब ममालिक के मिजाज बदल चुके होंगे, अरब कौमों की सोचें बदल चुकी होंगी और नए हालात में नए जमाने पैदा होंगे। और ये बेवकूफ़ों वाली ख्वाबें देखने वाले लोग जो चाहते हैं कि जल्द कज़िये से निपटें और असल हालात की तरफ वापस लौटें, कभी भी किसी असल की तरफ वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि तारीख इन्हें रंगेतती हुई आगे बढ़ाती चली जाएगी और नहायत ख़तरनाक किस्म के आइंदा हालात, ख़तरनाक हालात हैं जिनसे इनको जो इनको दरपेश होंगे और उनसे बच नहीं सकेंगे। ये तो ऐसी लहरों पर सवार हो चुके हैं जैसे पहाड़ी नदी नाले जब ज़्यादा तेज़ उतराई में चलते हैं तो उनकी मुंह से झागे निकलती हैं, उनके ऊपर मजबूत से मजबूत कश्ती या जहाज़ भी हो तो तिनकों की तरह उससे खेलते हैं ये मौजें। और ख़ास तौर पर जब वो चट्टानों से नीचे उतरती हैं आबशारों की सूरत में ये नदियाँ, तो बड़ी से बड़ी मजबूत चीज़ों के भी परखच्चे उड़ा देती हैं, पुर्जा कर डालती हैं। बस ये ज़माने की ताकतवर लहरें हैं जिन पर ये सवार हो चुके हैं और इनसे अब वापसी इनके लिए मुमकिन नहीं। सिर्फ एक राह वापसी की है कि तकवा इख्तियार करें, अपने फैसले खुदा को पेश नज़र रख कर करें, उम्मत मुस्लिमे का मुस्लिमा का अमूमी मफाद पेश नज़र रखें और अपने ज़ाती मफाद को क़ुरबान करने पर तैयार हों। अगर ये ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आलम इस्लाम के लिए एक नया अजीमुशान दौर रूनुमा होगा। वो भी एक नया दौर होगा जो पहले जैसा नहीं, क्योंकि पहले की तरफ तो अब कभी वापस नहीं जा सकते, मगर एक ऐसा दौर होगा जो गुज़श्ता अदवार से हज़ारों गुना बेहतर होगा और बेहतर होता चला जाएगा। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन अल्लाह ताला इनको अकल देगा और दुआ करता हूँ, अगर उम्मीद नहीं, कि अल्लाह ताला गैर मामूली तौर पर इन लोगों को अकल अता फरमाए। और अहमदियों को मुतवज्जे करता हूँ कि हम बहुत कमज़ोर हैं लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करना जानते हैं, दुआओं के फल हमने खाए हुए हैं और खाते हैं। बस जब नमाज़ों में इया का नाबुदो व इया का नस्तईन की दुआ किया करें तो खसूसियत के साथ मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए खुदा तआला से ये अर्ज़ किया करें कि मक्के और मदीने की बस्तियों का तकद्दस तो इबादत से वाबस्ता है और हमेशा इबादत से वाबस्ता रहेगा। ये बस्तियाँ इसलिए मुक़द्दस हैं कि इन बस्तियों में इब्राहीम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें की हैं। बस आज इस दुनिया में उन इबादतों को ज़िंदा करने वाले हम तेरे आजिज़ ग़ुलाम हैं, उस शान के साथ नहीं मगर जिस हद तक भी तौफीक पाते हैं हम उन इबादतों को उसी तरह ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ऐ हमारे माबूद, हमारी इबादतों को कबूल फरमा और हमारी मदद फरमा। और आज अगर तूने इबादत करने वालों की मदद न की तो दुनिया से इबादत उठ जाएगी और दुनिया से इबादत का ज़ौक उठ जाएगा। बस तू हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा। इया का नाबुदो, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, दुनिया की किसी कौम की तरफ नहीं देख रहे, तेरी तरफ देख रहे हैं, तेरे हुज़ूर झुक रहे हैं, तू मदद फरमा। अगर हमारी ये दुआ कबूल हो जाए और अगर दिल की गहराइयों से उठे और तमाम दुनिया से अहमदी ये दुआएं कर रहे हों तो भाई हरगिज़ बईद नहीं कि ये दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बॉल किसी की कोर्ट में नहीं रहेगा, बॉल तकदीर इलाही की कोर्ट की तरफ वापस चला जाएगा। और आपकी दुआएं हैं जिनका हाथ तकदीर इलाही पर पड़ता है या जिनका हाथ तकदीर इलाही के कदमों को छूता है, और फिर तकदीर इलाही आपकी दुआओं के साथ साथ रंग बदलती चली जाती है। अब दुनिया को ये रंग बदलते हुए दिखा दें और दुनिया को बता दें कि खुदा आपका है और आपके साथ है और आप जिसके साथ हैं खुदा उसके साथ होगा। Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu
فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.